इंदौर जिले की मानपुर पुलिस ने व्यक्ति के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतक से 2000 रुपए लेने थे, जिसके लिए वो बार बार टाल रहा था। वहीं रुपए मांगने पर गंदी गंदी गालियां दी, जिसके चलते उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मानपुर पुलिस ने पिछले महीने एबी रोड के पास ग्राम भिचौली में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई थी। पुलिस ग्रामीण अधीक्षक भगवत सिंह विरदे ने प्रेस वार्ता में अंधे कत्ल के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में बताया कि मृतक सुनील ने अपने जीजा से 2000 रुपये उधार लिए थे। जगदीश के द्वारा बार बार मांगने पर वापस नहीं कर रहा था और टाल मटोल कर रहा था, और शराब के नशे में उदयराम और जगदीश को नंगी नंगी गालियां देने लगा, जिससे नाराज होकर जगदीश ने सुनील के सिर पर फालिया मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और अपना गुनाह छुपाने के लिए शव को सड़क पर फेंक दिया। पुरुष की लाश मिली थी, जिस पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। जांच के दौरान वो जो अज्ञात व्यक्ति था वो सुनील नाम के उस पर ज्ञात हुआ, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में जो है उसमें धारदार हथियार से उसकी मृत्यु का लेख किया गया। आईजी साहब श्री राकेश गुप्ता साहब ने एक SIT गठित की, एडिशनल SP जो हमारे मऊ कनकरे साहब के नेतृत्व में, जिसमें SDOP मऊ हमारे दिलीप चौधरी जी, हमारे TI अमित और बाकी अन्य दल रहा। तो ये लोग लगे रहे उसमें। पहले तो 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, 302-201 का, फिर हमारी टीम लगी रही। तो ये पाया गया कि इनका जो मृतक था उसने अपने जगदीश से जो है 2000 रुपये उधार लिए थे, और वो बार बार तगादा करके मांगते थे, वो नहीं दे रहा था। और जो है 26 तारीख को यहाँ बिचौली में वो लोग आए हुए थे, तो वहाँ उसी पैसे की बात को लेके विवाद हुआ। तो जगदीश पिता बद्री कोहली, जितेंद्र पिता मुकेश, उदयराम और राजू पिता उदयराम और नंदी भाई, इनका विवाद हुआ। तो इन्होंने फिर उसके साथ मारपीट करी और फालिया से जगदीश ने मार दिया, जिससे उसको गहरी चोट आई। इन्होंने उसको मारा हुआ समझ के ले जाके लाश को वहाँ पटक दिया गया, और उनको लग रहा था कि कोई पहचान नहीं पाएगा, वो आराम से चले गए। हमारी जो टीम है इसने काफ़ी जो है बारीकी से विवेचना करी, गंभीरता से विवेचना करके इन पांचों आरोपियों को जो है अभी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। PR वगैरह प्राप्त करके अन्य कार्रवाई की जाएगी। टीम के लिए हम लोग 10,000 रुपये इनाम दे रहे हैं टीम को। अज्ञात की जो बाद में ट्रेस की तो उसका नाम सुनील निकला। बाद में जब आगे टीम ने, हमारे IG सर ने जो टीम स्पेशल टीम गठित की, उस टीम ने पता लगाया कि उसको चार पांच लोगों ने उसकी हत्या करके साख छुपाने की नीयत से, एक्सीडेंट लोग समझे इस नीयत से, उसकी लाश को जो है बिचौली के पास फेंक दिया गया। टीम ने बारीकी से विवेचना करके पांच आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया, और टीम को हम लोग 10,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं। अभी विवेचना जारी है। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।